हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपने फोन के थीम को यूज करते करते आप बोर हो गए हो तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जिसमें कि आप कुछ इस तरीके की थीम यूज कर सकते हो और इसमें आप एक क्लिक में ही वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हो जो कि बहुत ही अमेजिंग है और इसमें और भी बहुत सारी अमेजिंग फीचर्स दी हुई है जो कि मैं इस वीडियो के आगे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का प्रोसेस बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर को इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इसे इंस्टॉल कर रखा हूँ तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है, उसके बाद इसे अलाउ कर देना है, फिर से आपको अलाउ कर देना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अगर आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से इसे लॉग इन करना है तो आप इसे लॉग इन भी कर सकते हो। तो मैं इसे रहने देता हूँ, मैं इसे स्किप कर देता हूँ, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देता हूँ। आप नीचे स्क्रॉल करना है तो ये यहाँ पर ये हाइड एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर पासवर्ड लगाया है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले पासवर्ड को एंटर करना होगा तभी वो एप्लीकेशन शो होगा। अब मैं यहाँ पर आपको गेस्टर की फीचर्स दिखा देता हूँ। मैं इसके लिए लॉन्चर पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको गेस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें बहुत सारा गेस्टर यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पर जो भी आप गेस्टर यूज करना चाहते हो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो मैं इसे रहने देता हूँ, आप इसे यूज करके देख लेना। यहाँ से आप अपने होम स्क्रीन को भी एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको फोल्डर का थीम चेंज करना तो आप यहाँ से फोल्डर का थीम वगैरह भी चेंज कर सकते हो। मैं आपको गेस्टर यूज करके दिखा देता हूँ। मैंने एक गेस्टर को यहाँ पर सेट करके रखा था। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी कैलेंडर यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो आप इसी तरीके से गेस्टर को यूज करके आप अपने फोन को और भी बेटर बना सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।